hydraulic power plant. Normally, hydraulic power plants are used to convert the hydro energy into the electrical energy. You must have seen these plants in the, near the dams. But so what happens here is the dams have turbines. The pressure of water rotates the turbines, and hence the electrical energy is converted. Here we cannot bring the dams, not the pressure of the water. So to do that, we have implemented a water motor. यहाँ पर हमने एक water motor use करी जो हम normally coolers में देखते हैं water pump की तरह. तो ये क्या करेगा? This pump will pump the water through this pipe. तो ये जो pipe है which allows the flow of water is known as penstock. इसके पानी से जो pressure आएगा उससे आपको यहाँ पर एक फैन दिख रहा है. दिस इज द टर्बाइन. ये टर्बाइन रोटेट करेगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर फॉलिंग अपॉन इट. उस टर्बाइन के रोटेट होने से ये रोटेटर रोटेट करेगा विच इज कनेक्टेड टू द रोटेटर ऑफ दिस जनरेटर. ये रोटेट करेगा सो दिस जनरेटर विल जनरेट एन एनर्जी जो कि इस लाइट बल्ब को जलाएगी. जैसे कि अगर आप अभी प्रैक्टिकली इसको देखें तो दिस टर्बाइन इज रोटेटिंग, हेंस दिस रोटेटर इज रोटेटिंग. ये रोटेटर कनेक्टेड था इससे तो ये रोटेट हो रहा है और यहाँ पर हमें लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कह सकते हो देखने को मिल रही है. थैंक यू.